गुड मॉर्निंग पार्थ गुड मॉर्निंग यार सब चला गया फिर से लिखना पड़ेगा चलो फिर से लिखता हूँ यार आज के नोट्स भी अब नहीं मिल पाएंगे शुरू वाले देखो तो ये हमारा एक बड़ा ब्लॉक था नहीं यार वो समझाने के लिए तो लिखना ही पड़ेगा और एक छोटा ब्लॉक था यहाँ पे कॉपेंट ऑफ एक्शन म्यू था यहाँ पे एफ फोर्स लग रहा था तो हमने ए निकाल दिया एफ इक्वल टू एम प्लस एम हाँ बस उतना ही लिख रहा हूं डायग्राम और फिर सॉल्यूशन तो ए की वैल्यू आ गई एफ अपॉन एम प्लस एम फिर यहाँ पे अपना चिंटू ऐसे पैर लटका के बैठा हुआ है और ब्लॉक को देख रहा है तो चिंटू अपना ऑब्जर्वर है तो इस चिंटू को क्या दिखेगा ये चिंटू को ऑब्जर्वर लेता हूं मैं हर बार तो इस पे लास्ट ईयर वाले कुछ बच्चों ने फिर से लाइट गई यार एक मिनट अभी आवाज़ आ रही है क्या हेलो आवाज़ आ रही है फिर से पावर कट हो गया है मैंने मोबाइल का हॉटस्पॉट भी ऑन कर दिया वाईफाई के साथ स्विच करता रहे नेटवर्क तो देखो लास्ट टाइम क्या था चिंटू को हमेशा ऑब्जर्वर ले रहा था इस चक्कर में कुछ बच्चों ने फीडबैक में लिख दिया कि मेल डोमिनेंट क्लास तो अब मुझे कभी कभी सीता गीता भी ऑब्जर्वर लेना पड़ेगा तो देखो इधर अब क्या है सही है हैंग तो नहीं हो रहा मोबाइल नेटवर्क से अभी कनेक्ट किया है ठीक है तो, तो देखो यहाँ पे जो चिंटू होगा ये जब देखेगा तो इसको क्या दिखेगा चिंटू अगर जिस जगह पे बैठा होगा उसको रेस्ट पे दिखेगा ना थोड़ा लैग हो रहा है ठीक है अभी हो जाएगा दो मिनट में नेटवर्क सही हो जाएगा तो अभी कंटिन्यू करूं कि नहीं क्योंकि अभी दो मिनट लगेगा वो वापस से वाईफाई को ऑन होने में लाइट गई है तो इतना टाइम लग जाएगा तो देखो यहाँ पर चिंटू को जो हम ऑब्जर्वर बनाएंगे तो ये क्या दिखेगा कि भाई ये सब रुका हुआ है ना जहां वो बैठा है वो रुका है ऑब्जर्वर हमेशा खुद को रेस्ट में मानता है ना तो वो ब्लॉक पे बैठा है तो वो भी रुका हुआ है और ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं अगर ये रुका है तो मतलब ये भी रुका है तो उसको क्या दिखेगा ये रुका हुआ दिखेगा तो इस इसपे फोर्सेज बैलेंस करने पड़ेंगे फोर्सेज कैसे बैलेंस करोगे नीचे को इस पे लग रहा होगा एम और ऊपर को लग रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स ना यहां से फ्रिक्शन फोर्स आएगा ना फ्रिक्शन हमेशा सरफेस के पैरेलल लगता है तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर को लग रहा होगा और अगर ये रुका हुआ है तो फोर्स बैलेंस होने चाहिए फिर साथ में हमें पता है कि फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू होता है यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकालेंगे लिमिटिंग वैल्यू के लिए एन चाहिए ना एन कैसे निकालोगे यहां पे जो एन लग रहा होगा ग्राउंड से अगर हम देखें तो ये एन क्या कर रहा है ब्लॉक को साथ साथ ले जा रहा है ना इस ब्लॉक को अगर आप ग्राउंड से देखोगे तो आगे ले जाने का काम कौन कर रहा है यहां का एन ही कर रहा होगा ना ये एफ तो इस पे लगा है ये एफ इस पे लगा तो इसने इस पे क्या लगाया एन लगाया ना तो इसको आगे ले जाने का काम कौन कर रहा है ग्राउंड के फ्रेम से एन कर रहा है तो ग्राउंड के फ्रेम से हम एन की वैल्यू लिख सकते हैं एम इंटू ए और ए की वैल्यू हमने निकाल रखी है तो ये वाली वैल्यू हम यहां डाल देंगे तो लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी म्यू इंटू एन फिर हमें पता है कि एफ लेस देन इक्वल टू एफ एल होगा तो यहां पर डाल देंगे एफ की वैल्यू अभी कितनी है एम जी एफ की वैल्यू एम जी है और लिमिटिंग वैल्यू होनी चाहिए ठीक है लिमिटिंग वैल्यू देखो ये होनी चाहिए ना तो इससे m और m कट जाएगा F की वैल्यू आएगी एम प्लस एम एन टू जी म्यू अभी आवाज सही हुआ क्या लैग बंद हुआ तो इससे एफ इतनी वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए ना तो मिनिमम कितना होना चाहिए उसकी वैल्यू एम प्लस एम इंटू जी बायू ठीक है तो अब ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया फ्रिक्शन का अब हम लोग इसके डाउट्स देखेंगे लास्ट टाइम होमवर्क दिया था इन टेक्स्ट लास्ट वाला थ्री वाला इन टेक्स्ट तो उसमें बताओ डाउट क्या क्या है फिर इसके बाद न्यू चैप्टर शुरू करेंगे श्रेयस अब ये मॉड्यूल लगाओ ना प्रैक्टिस के लिए अब अगला चैप्टर सर्कुलर मोशन होगा ना इस मॉड्यूल का अभी दो चैप्टर इस मॉड्यूल में बचे ना एक सर्कुलर मोशन और दूसरा यूनिट एंड डायमेंशन अब सर्कुलर होने की बात करा दूंगा Sixth वाला डाउट है ये नोट कर लो फिर नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं सिक्स वाला हाँ सिक्स वाला पहले करते हैं वाला देखो सभी सिक्स वाले में देखो बोला गया एक वन के जी का ब्लॉक है और एक टू के जी का ब्लॉक है इनकी अलग अलग स्पीड दी हुई है ये आगे को जा रहा है टू मीटर पर सेकेंड से और ये आगे को जा रहा है एट मीटर पर सेकेंड से और यहां म्यू की वैल्यू है पॉइंट फोर ग्राउंड स्मूथ है अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये बताना है कि कब ये साथ साथ चलना शुरू कर देंगे ना कब इनके बीच का रिलेटिव मोशन खत्म हो जाएगा तो देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग दो तरीके लगा सकते हैं एक तो ग्राउंड के फ्रेम से सॉल्व कर सकते हैं और एक कोई एक को ऑब्जर्वर बना के सॉल्व कर सकते हैं तो हम मैं दोनों तरह से सॉल्व कर देता हूं पहले मान लो हम लोग ग्राउंड से सोच रहे हैं ना ग्राउंड पे खड़ा है कोई ऑब्जर्वर ना तो हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो ग्राउंड है ना अपना चिंटू ऑब्जर्वर है ये चिंटू है चिंटू अपना ऑब्जर्वर है तो चिंटू को क्या दिख रहा होगा कि दोनों अलग अलग स्पीड से जा रहे हैं लेकिन अगर आप इन दोनों को सिस्टम ले लोगे पूरे को सिस्टम ले लोगे तो इस पूरे सिस्टम पे बाहर से कितना फोर्स लग रहा है पूरे सिस्टम पे बाहर से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स फोर्स की बात हो रही है वेलोसिटी की नहीं फोर्स की बात हो रही है टू और एट जो है ये सब वेलोसिटी है जीरो है ना फिर आपने देखो न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ा है कि एफ नेट एक्सटर्नल फोर्स फोर्स बराबर होता है रेट ऑफ ऑफ चेंज मोमेंटम के अगर बाहर से जीरो होगा तो वहां मोमेंटम का जो मोमेंटम कांस्टेंट होगा तभी ना ये जीरो आ रहा है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ही जीरो होता है ना तो वहां पे मोमेंटम कांस्टेंट होता है जहां पे भी सिस्टम पे बाहर से फोर्स नहीं लगता वहां पे मोमेंटम पूरे सिस्टम का कांस्टेंट होगा ना इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये अभी हम लोग आगे सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में पढ़ेंगे बट फिर भी इतना तो आप न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़े हो तो सोच सकते हो कि इन अबसेस ऑफ एनी नेट एक्सटर्नल फोर्स मोमेंटम ऑफ सिस्टम विल बी सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं करेगा अब देखो यहाँ पे एक चीज और है ये टू से चल रहा है ये एट से चल रहा है तो ये जो इस पे फ्रिक्शन लगा रहा होगा वो किधर को लगा रहा होगा हाथ रेस दोनों तरह से करूंगा मैं रिलेटिव से भी करूंगा ग्राउंड से भी करूंगा वन वाला जो है वन के लिए टू आगे को जाना चाह रहा है ना टू वाला फास्ट चल रहा है तो वन वाला फ्रिक्शन किधर लगाएगा one वाला पे फ्रिक्शन पीछे को बैक साइड में लगाएगा तो एक्शन रिएक्शन टू वाला वन पे आगे को लगाएगा तो अब देख रो इससे क्या होगा इस पे फ्रिक्शन अगर पीछे को लग रहा है तो इसकी स्पीड लगातार क्या होगी अगर वेलोसिटी इधर है फोर्स इधर है तो ये वेलोसिटी क्या होती जाएगी कम होती जाएगी और इस पे जिधर वेलोसिटी उधर ही फोर्स लग रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी वन वाले की वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी अब टू वाली वैल्यू बढ़ रही है और एट वाली वैल्यू कम हो रही है तो कभी ना कभी दोनों इक्वल आएंगे ना ये बढ़ते बढ़ते और ये कम होते होते कभी ना कभी दोनों इक्वल हो जाएंगे जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो साथ साथ चलने लग जाएंगे ना फिर उनका रिलेटिव मोशन बंद हो जाएगा जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगी ना तो हम लोग मान लेते हैं कि जब रिलेटिव वेलोसिटी बंद हो गई रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो गई उस टाइम पर दोनों की स्पीड सेम हो चुकी है ये भी बीस से जा रहा है ये भी बीस से जा रहा है अब हम लोग क्या करेंगे मोमेंटम कंजर्व कराएंगे मोमेंटम कैसे कंजर्व कराते हैं इनिशियल मोमेंटम लिखेंगे सिस्टम का और फाइनल मोमेंटम लिखेंगे पूरे सिस्टम का ना पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम कितना है एम इंटू वी मोमेंटम कैसे निकालते हैं मास इंटू एलोस्टी करके ना वन इंटू वी प्लस दूसरे वाले ब्लॉक का टू इंटू एट और बाद में कितना होगा वन वाला भी वी से चल रहा है और टू वाला भी वी से चल रहा है तो टोटल थ्री वी आयधर कितना आ जाएगा 12 तो बाद में दोनों की वेलोसिटी कितनी होगी 12 सॉरी oh, 12/3 मतलब 4 ठीक है इसकी वेलोसिटी बढ़ते-बढ़ते आई और इसकी कम होते होते 4 आई जब दोनों इक्वल हो गए फिर रिलेटिव वेलोसिटी जीरो आ गई ये समझ आया पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होगा क्योंकि बाहर से फोर्स नहीं लग रहा अब आपको v पता चल गया तो आप टाइम निकाल सकते हो इस यहां पे देखो जो ये फ्रिक्शन है ये काइनेटिक फ्रिक्शन है या स्टैटिक फ्रिक्शन है अच्छा हाँ ये गड़बड़ लिख दिया इनके बीच में जो फ्रिक्शन है वो काइनेटिक है ना काइनेटिक की वैल्यू तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो वो तो ये सेल्फ एडजस्टिंग होता नहीं है तो काइनेटिक फ्रिक्शन आप कितना लिखोगे यहां पर एफ के इक्वल टू म्यू इन एन यहाँ पे इस जगह का एन कितना होगा इसके ऊपर का मास जो होगा वही बैलेंस करेगा ना वन इन जी तो फोर न्यूटन अब देखो हमें इस वन के जी पे फोर्स पता है टू के जी पे फोर्स पता है और दोनों की इनिशियल वेलोसिटी पता है फाइनल वेलोसिटी पता है तो क्या आप टाइम निकाल सकते हो कोई भी एक ब्लॉक लेके सोच लो मान लो हम ऊपर वाला ब्लॉक लेते हैं वन के वाला अगर हम वन के जी वाला ब्लॉक लेते हैं तो इस पे इधर को फोर्स लग रहा है फोर न्यूटन का तो इसका एक्सीन कितना है एक्सीलरेशन कितना आएगा अब सिद्धेशन इनके बीच में जो है वो म्यू एम होता है ना म्यू की वैल्यू दी है एन दिया है बस लगा दे फोर्स अपॉन मास करोगे तो फोर्स आ जाएगा एक्सिलेशन आ जाएगा ना फिर इनिशियल स्पीड कितनी थी ऊपर वाले ब्लॉक की टू फाइनल स्पीड कितनी है फोर एक्सलेशन आया फोर टाइम निकालना है तो वी इक्वल टू यू प्लस एटी में डाल दो वी कितना है फोर यू की वैल्यू है टू ए की वैल्यू है फोर इन टू टाइम तो आ जाएगा टू बाई फोर अच्छा वी की वैल्यू सिक्स है सॉरी वी की वैल्यू सिक्स है ये सिक्स डालेंगे तो फोर बाइनस फोर ये वन सेकेंड आ जाएगा वन सेकेंड आ गया Sixth का second, हाँ। ना आप चाहे तो टू के जी वाले का लेकर के भी ऐसे सॉल्व कर सकते थे ना वन का लो या टू का दोनों से सेम आंसर आएगा कुछ समझ आया सबको क्या, क्या क्या किया है पहले हमने सोचा कि वेलोसिटी कितनी हो जाएगी फाइनल वाली वो कैसे निकालेंगे मोमेंटम कंजर्व करके फिर v आ गया तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा करके t निकाल लेंगे तो देखो ये हमारा मेथड वन है जब हमारा चिंटू ग्राउंड पे खड़ा था अब पिंटू को हम लोग बैठा देते हैं टू के जी वाले ब्लॉक पे और फिर सोचते हैं क्या होगा ये नोट कर लो फिर सेकेंड मेथड से सॉल्व करता हूँ देखो पे श्रेयस मैंने क्या समझाया कि न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है एफ एक्सटर्नल बराबर डीपी बाई डी टी अगर सिस्टम पे फोर्स जीरो है तो डीपी बाई डी टी जीरो हुआ ना किसका डिफरेंसिएशन जीरो होता है श्रेयस बता किसका डिफरेंसिएशन जीरो होता है अगर डी पी बाई डीटी जीरो है तो इसका क्या मतलब है कि पी क्या होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए ना कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है ना तो अगर कहीं पे भी फोर्स जीरो है तो वहां पे मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा कांस्टेंट मतलब जितना शुरू में होगा उतना ही बाद में होगा तभी ना बोलोगे कांस्टेंट है कोई भी टाइम पे मोमेंटम निकालोगे तो वो सेम आना चाहिए जितना शुरू में था समझ आ रहा है में क्या बोल रहा हूँ इसीलिए मैंने यहां लिखा इन एबसेंस ऑफ एनी नेट एक्सटर्नल फोर्स मोमेंटम ऑफ सिस्टम विल बी कंजर्व मतलब कॉन्स्टेंट रहेगा अभी कोई डाउट है तो अनम्यूट करके बोता ठीक है आगे चले सेकंड मेथड पे तो देखो मेथड टू में अब अपन क्या करते हैं वन के जी टू के जी यहां पर अपना पिंटू ऑब्जर्वर लेते हैं जो टू के जी पे बैठा हुआ है इस बार पिंटू हमारा ऑब्जर्वर है ऑब्जर्वर हमेशा किस में रहता है रेस्ट में ना? तो ये ऑब्जर्वर क्या सोचेगा कि मैं रुका हुआ हूं और ये वन के जी वाला चल रहा है और वन के जी वाले की स्पीड वो कैसे निकालेगा इसकी वेलोसिटी से अपनी वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करके टू में से अगर हम एट सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 में से 8 सबट्रैक्ट करेंगे ऑब्जर्वर की वेलोसिटी 8 है ना ऑब्जर्वर 2 पे बैठा है तो 2 वाली इसकी वेलोसिटी है 8 ये वाली वेलोसिटी -6 तो ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा 2 वाला जो है वो रुका हुआ है और 1 वाला जो है ये इधर को आ रहा है -6 मतलब उल्टा आ रहा है ना ये गिरेगा नहीं ब्लॉक से वो सबकी टेंशन नहीं लो ब्लॉक छोटा होए गिर जाएगा ना वो मान लो बहुत लार्ज है वो साथ साथ वो उसी पे चलता रहेगा तो ये सिक्स से इधर आ रहा है है कि नहीं और अगर आप ग्राउंड से सोचो तो इनपे फोर्सेस क्या क्या लग रहा है अभी हमने देखा इस पे फ्रिक्शन पीछे को लग रहा है और इस पे फ्रिक्शन आगे को लग रहा है ना और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमने निकाली थी कितनी आई थी फोर न्यूटन तो जब टू वाले पे हम ऑब्जर्वर को बैठाएंगे तो टू वाला कौन सा फ्रेम है इनर्शियल फ्रेम है नॉन इनर्शियल फ्रेम है टू के जी वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन है या नहीं है टू के जी वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन है या नहीं है है ना भाई ये फोर के फोर न्यूटन का फोर्स लग रहा है ना फ्रिक्शन का तो टू वाले का एक्सेलरेशन क्या हो रखा है ग्राउंड से देखोगे तो इस पे पीछे को फोर्स अपॉन मास इसका एक्सिलेशन पीछे को है टू और इसका एक्सलेशन आगे को है फोर्स अपॉन मास फोर दोनों के एक्सिलेशन भी है ना तो अब यहां पर या तो आप रिलेटिव एक्सिलेशन निकालो या फिर सीडो फोर्स लगाओ को ये करना पड़ेगा देखो यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे बैठ के तो इसको क्या क्या फोर्सेस लगते दिखेंगे वन के जी पे वन के जी पे आगे को एफ के लग रहा है ना फोर न्यूटन श्रेयस अभी हमारा ऑब्जर्वर केवल वन के जी वाला है ना दोनों मिला के ऑब्जर्वर नहीं है मतलब सिस्टम हमारा केवल वन के जी है सॉरी ऑब्जर्वर नहीं सिस्टम वन वाला है तो इस पे जो फ्रिक्शन का फोर्स है वो बाहर का फोर्स है ना वो देखना पड़ेगा ए टू के लिए देखो टू वाले पे पीछे को फोर न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो फोर्स अपॉन मास कर दिया दोनों ब्लॉक पे एक एक फोर्स लग रहा है तो फोर्स अपॉन मास कर दो ना यहाँ पे देखो वन के जी वाला जो है वो आगे को जा रहा है टू से और उस पर फोर्स लग रहा है फोर न्यूटन का तो उसका एक्सलेशन आगे को है फोर ये इसकी वेलोसिटी है ना और नीचे वाला जो ब्लॉक है उसपे पीछे को फोर्स लग रहा है तो उसका एक्सलेशन पीछे को आएगा और इसकी वेलोसिटी आगे को है तो अगर मैं इसको ऑब्जर्वर बनाऊंगा तो ये तो एक्सलेटेड फ्रेम है ना यहां से बैठ के सोचूंगा तो इस पर सीडो फोर्स भी तो लगाना पड़ेगा समझो कि नहीं इस पे सीडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा ना तो अब आगे को सीडो फोर्स कैसे निकालेंगे मास ऑफ ऑब्जेक्ट अगर रिलेटिव यूज कर लोगे तो सीडो फोर्स यूज़ नहीं करना है फिर या तो रिलेटिव एक्सेलरेशन यूज करो या फिर सीडो फोर्स यूज कर लो तो आप देखो हमने इस पे देखा कि फोर्स लग रहा है फोर न्यूटन ये जो फोर्स लग रहा है ये तो हर जगह से दिखेगा प्लस ये ऑब्जर्वर एक्सिलेशन में है ना तो सीडो फोर्स भी लगाओगे सीडो फोर्स कितना हो जाएगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सिलेशन ऑफ ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर का एक्सिलेशन कितना आया है टू तो ये हमारा एफ ऑफ सीडो हो जाएगा तो टोटल आगे को अब फोर्स कितना लग रहा है टू प्लस फोर सिक्स लग रहा है ना ना तो यहाँ पे क्या हो रहा है जब हम लोग टू वाले पे बैठ के देख रहे हैं टू वाले पे बैठ के देख रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है कि इसका इधर को वेलोसिटी है सिक्स मीटर पर सेकेंड और इस पे टोटल जो फोर्स लग रहा है इधर को लग रहा है वो लग रहा है सिक्स ये वन के का मास है तो इसका इधर को एक्सलेशन कितना दिखेगा एक्सलेशन कितना दिखेगा फोर्स अपॉन मास सिक्स है कि नहीं ऐसे कर सकते या फिर आप रिलेटिव एक्सेलरेशन डायरेक्ट फाइंड कर सकते थे इसका एक्सेलरेशन इधर को 2 है इसका इधर को 4 है तो ये जब इसको देखेगा तो सबट्रैक्ट हो जाएगा ना और ये अपोजिट में है अपोजिट में है तो सबट्रैक्ट करने पे वो ऐड होकर के इधर को 6 दिख रहा होगा ठीक है तो अब अब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं 2 केजी वाला क्या देख रहा है कि मैं रुका हुआ हूं 1 वाला केवल चल रहा है कितनी स्पीड से चल रहा है 6 से और इसका एक्सेलरेशन कितना है अपोजिट में सिक्स तो ये इसके रिस्पेक्ट में जब आके रुक जाएगा ना तब ना रिलेटिव वेलोसिटी बंद होगी जब इसके रिस्पेक्ट में ये रुक जाएगा तब ना रिलेटिव मोशन बंद होगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या दिखनी चाहिए इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तब बोलोगे रिलेटिव मोशन बंद हो गया अब वीक्वल टू यू प्लस में लगा दो फाइनल वेलोसिटी जीरो इनिशियल सिक्स ए की वैल्यू अपोजिट में है माइनस सिक्स तो इससे टाइम आ जाएगा सिक्स अपॉन सिक्स वन सेकेंड समझ आया क्या 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 किया है थोड़ा सा ज्यादा हो गया मुझे लग रहा है तुम लोगों के लिए पहले वाला ही मेथड ज्यादा अच्छा है बट ऐसे भी होता है पता होना चाहिए इसलिए बता दिया भावेश देखो जब हम यहां से देखेंगे तो एक तो इसपे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो दिखेगा प्लस सीरोप वो दिखेगा ना तो दोनों का मिला के नेट फोर्स दिखेगा सिक्स न्यूटन का नॉन इनर्शियल फ्रेम से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते थे जो भी रियल फोर्सेस होते थे वो तो वैसे ही लगाते थे ना जैसे यहाँ रियल फोर्स ये फोर है ये तो वैसे ही लगाएंगे प्लस एक सीडो फोर्स भी लगाते थे ना और सीडो फोर्स कितना होता था मास ऑफ ऑब्जेक्ट इस पे देख रहे हैं ना तो ये इसका मास इनटू एक्सिलेशन ऑफ ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर का एक्सिलेशन उधर होगा ना जिधर फोर्स लगेगा तो इधर है और सीडो फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है एक्सिलेशन ऑफ ऑब्जर्वर के अपोजिट मतलब अदरवाइज रिलेटिव एक्सीन से भी लिख सकते थे इसका एक्सिलेशन इधर को फोर है इसका टू है तो इसके रिस्पेक्ट में इसका एक्सिलेशन इधर को सिक्स आएगा भावेश कौन से मेथड से नहीं हो रहा अब देखो अगर ये थोड़ा कम भी समझ आया होगा तो ये सब नोट कर लो ना ये सब नोट कर लो एक बार अच्छे से खुद से सॉल्व करना और जहां ना आए सोल्यूशन देखना ना फिर लगे तो एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना अगर कहीं दिक्कत लगे तो ठीक है फिर भी नहीं आ तो मुझे कॉल करना नोट कर लो ये अच्छा है श्रेयस अच्छा है रिलेटिव वाले में या तो आप रिलेटिव एक्सेलेशन लगा लो या सीडो फोर्स लगा लो दोनों में से एक करना होता है या तो एक्सिलेशन रिलेटिव यूज कर लो या सीडो फोर्स लगा लो ये सब कुछ समझ आ रहा है ना कि अगर अगर एक ब्लॉक इधर को फोर के एक्सिलेशन से जा रहा है और दूसरा ब्लॉक इधर को टू के एक्सिलेशन से जा रहा है तो अगर मैं पूछूं कि टू के रिस्पेक्ट में वन का एक्सिलेशन बताओ तो कितना बताओगे एक्सलेशन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू तो आप क्या करोगे ए वन माइनस ए टू करोगे ना मान लो इधर वाले को प्लस बोल रहे हैं इधर वाले को माइनस तो ये क्या होगा प्लस फोर माइनस ऑफ माइनस टू तो कितना है प्लस सिक्स प्लस सिक्स का मतलब क्या है कि रिलेटिव एक्सलेशन किधर है इधर को है ना तो टू वाला के रिस्पेक्ट में टू वाला मतलब रेस्ट पर है ना टू वाले को टू के रिस्पेक्ट में एक्सलेशन दि, जीरो दिखेगा और वन का प्लस सिक्स दिखेगा मतलब इधर को समझ आ रहा है ना ए वन ये तो फॉर्मूले वाला माइनस है टू की जब वैल्यू डालेंगे तो वो भी माइनस में होगी तो अब देख लो या तो आपको सीडो फोर्स लगाना होता है या रिलेटिव एक्सिलेशन दोनों नहीं करना है सीडो फोर्स लगा करके भी नेट कितना आया था पीछे को सिक्स जब यहां से देख रहे थे और वही आप सीधे देख करके रिलेटिव एक्सिलेशन से भी सोच सकते हो तो मैं यहां पे लिख देता हूं यूज आइदर सीडो फोर्स और रिलेटिव एक्सिलेशन दोनों नहीं करना है ठीक है तो हाँ वही करना है प्रथम नीचे वाले को रेस्ट पर रख दो ऊपर वाले के साथ एक्सिलेशन माइनस कर दो इसकी वेलोसिटी लिख दो और फिर इक्वल टू यू प्लस एटी लगा दो रिलेटिव एक्सेलरेशन से थोड़ा इजी लगता है सीडो फोर्स से थोड़ा ज्यादा हो गया रिलेटिव वेलोसिटी देख लेते हैं रिलेटिव एक्सेलरेशन देख लेते हैं तो उससे इजी हो जाता ठीक है फिर अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं ये नोट कर लो जल्दी सेवेंथ देखो आप एक मिनट मुझे प्रॉब्लम पढ़ने दो ना देखो यहां पे ये बोला गया है कि एक हमने ब्लॉक लिया M2 और उसके ऊपर एक ब्लॉक लिया M1 और ये पूरा सिस्टम जो है स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है ना स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे तो हमें बताना है कि इनके बीच का फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा देखो अभी तक हम ग्राउंड पे रखते थे और, ग्राउंड पे और एफ दिखा देते थे लेकिन यहाँ पे वो एफ दिखाया नहीं गया आपको खुद से लिखना है हमें पता है इधर को कितना फोर्स लगता है एम जी साइन थीटा तो वो वाला पार्ट आपको खुद से सोचना है और तरीका वही है करने का जैसे हम करते हैं पहले हम मानेंगे कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं और इनका एक्सेलरेशन लिखेंगे अगर ये साथ साथ चल रहे हैं तो पूरे सिस्टम का एक्सलेशन कितना आएगा नीचे को फोर्स कितना लग रहा है एम वन जी साइन थीटा प्लस एम टू जी साइन थीटा और ऊपर को कोई फ्रिक्शन है ग्राउंड स्मूथ है ना ग्राउंड स्मूथ है यहां पर तो बाहर से बस यही दो फोर्स है ना तो ये जब फोर्सेस रहेंगे तो एक्सलेशन कितना आएगा पूरे सिस्टम का पहले हम पूरे सिस्टम के लिए सॉल्व करते हैं ना तो एक्सलेशन आया जी साइन थीटा फिर हम अलग अलग देखेंगे हमें नहीं पता कि किस पे फ्रिक्शन किधर है तो कोई भी एक डायरेक्शन में मान लिया इस पे मान लो पीछे है, इस पे आगे है अगर आप कभी भी फ्रिक्शन का डायरेक्शन गलत मानोगे तो वो माइनस में आएगा ना बट उसका मैग्नीट्यूड वही होगा जो आपने सॉल्व किया है माइनस आने का मतलब डायरेक्शन बस उल्टा करना है तो अभी मुझे नहीं पता था किस कौन जा रहा है तो मैंने ऐसे उल्टा मान लिया या कुछ भी एक मान लिया अब मैं अगर इसके लिए क्वेश्चन लिखू ऊपर वाले के लिए तो ऊपर वाले पे क्या क्या फोर्सेस लग रहा है आगे को एम वन जी साइन थीटा और आगे को एफ केवल मैं एम वन वाले को देख के लिख रहा हूं ये बराबर होगा एम वन इन टू ए ए कितना है ऊपर वाले का तो इससे एफ वन कितना आ रहा है जीरो ना सेम वे में आप एफ टू भी निकाल सकते हो तो वो भी कितना आएगा जीरो ने? चाहे ऊपर वाले से सॉल्व करो या नीचे वाले से दोनों तरह से एफ की वैल्यू वही जीरो आ रही होगी तो इसका मतलब हुआ कि उनके बीच में फ्रिक्शन कुछ भी नहीं है ना यहाँ पे दोनों अपना अलग अलग जी साइन थीटा से नीचे को जा रहे हैं जब रिलेटिव मोशन ही नहीं है तो फ्रिक्शन आ ही नहीं पा रहा है दोनों अपना अलग अलग जी साइन थीटा से जा रहे हैं कोई उनके बीच में रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी नहीं है ना ही relative motion है समझो ना अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई ग्राउंड पे दो ब्लॉक रखे हैं और दोनों आगे को ए से एक्सलेशन से जा रहे हैं ना तो इनके बीच में फिर फ्रिक्शन आएगा ही नहीं अगर दोनों को आप ए से चलाओगे तो इनके बीच में फ्रिक्शन आ ही नहीं पाएगा जब आप इसको अलग ए से चला रहे हो इसको अलग ए से चला रहे हो ना दोनों को आप मान लो खींच रहे हो तो इनके बीच में फ्रिक्शन नहीं आ पाएगा सेवेंथ के बाद नेक्स्ट बताओ एट में देखो क्या है टू ब्लॉक्स एम वन एम टू आर एक्टेड अपॉन बाई फोर्सेस एफ वन एफ टू इफ देर इज नो रिलेटिव स्लाइडिंग बिटवीन ब्लॉक एंड दूथेटिक हा श्रेयस अगर यहाँ पर नीचे वाला सरफेस रफ होता तो इनके बीच में फ्रिक्शन आता क्योंकि फिर यह जी साइन टीटा से नहीं जा पाता ना इसको फ्रिक्शन रोकता तो ये स्लो चलता ये फास्ट चलता तो फिर बीच में फ्रिक्शन आता एट्थ में देखो अब एट्थ में बोला जा रहा है एक ब्लॉक है एम वन वो रखा हुआ है एम टू के ऊपर पे एफ वन फोर्स लगाया जा रहा है इस पे एफ टू फोर्स लगाया जा रहा है तो आपको पूछा जा रहा है ग्राउंड अगर स्मूथ है तो फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ब्लॉक कितना होगा और बोला गया है कि वो साथ साथ चल रहे हैं ना बोल दिया गया कि नो रिलेटिव स्लाइडिंग ना, वो साथ साथ चल रहे हैं। तो अब अगर वो साथ साथ चल रहे हैं तो अगर हम पूरे सिस्टम को एम वन एम टू एक सिस्टम पकड़ लें तो उसका हम एक्सीलरेशन लिख सकते हैं क्या अगर हम पूरे को एक सिस्टम पकड़ लें तो पूरे सिस्टम का एक्सेलेरेशन कितना बोलेंगे वो साथ-साथ चल रहे हैं बोल दिया गया है क्वेश्चन में कि वो साथ-साथ चल रहे हैं तो पूरे सिस्टम का एक्सेलेरेशन कितना बोलोगे अबे भावेश ए बोलेंगे एक ही वैल्यू बतानी है वो भी कॉमेडियन है यार नेट फोर्स आगे को कितना लग रहा है एफ f2 पूरे सिस्टम पे बाहर से फोर्स कितना लग रहा है आगे को f1 f2 और मास सिस्टम का एम वन प्लस एम टू तो टोटल फोर्स एफ बराबर एम इन टू तो ए आ गया एफ वन प्लस एफ टू अपॉन में एम वन प्लस एम टू ये ए आ गया ना हमें यहाँ पे क्या चाहिए उनके बीच का फ्रिक्शन तो अब फ्रिक्शन के लिए आपको कोई एक की क्वेश्चन लिखनी पड़ेगी या तो एम वन की या एम टू की ना? क्योंकि दोनों की लिखोगे तो फ्रिक्शन काउंट ही नहीं होगा ना क्योंकि वो तो इंटरनल फोर्स हो जाएगा एक की लिखोगे तब फ्रिक्शन काउंट होगा अब देखो आपको नहीं पता कि ये कौन सा फास्ट जा रहा है कौन सा स्लो जा रहा है तो आप कोई एक डायरेक्शन में मान लो कि ये फास्ट जा रहा है तो ये इस पे फ्रिक्शन पीछे को लगा रहा है तो एक्शन रिएक्शन इस पे फ्रिक्शन आगे लग रहा है ना जब सिंबल्स में दिया हुआ है आपको नहीं पता कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है तो आपको ऐसे कोई भी एक लेके सोचना रहेगा ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोई भी एक कर लो तो अब अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा एफ टू प्लस एफ एफ टू प्लस एफ बराबर होगा एम टू इन टू ए की वैल्यू यहां डाल दूंगा तो इससे एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पे देखो क्वेश्चन में हमें केवल उसका मैग्नीट्यूड बताना होगा देखते हैं इसको सॉल्व करते पहले F2 को अगर हमें निकालना है तो F2 को इधर कर दो तो ये हो जाएगा F M2 F1 वन प्लस एफ टू अपॉन एम वन प्लस एम टू माइनस एफ टू एल्सियम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा एम टू एफ वन एम टू एफ टू माइनस एम वन एफ टू माइनस एम टू एफ टू अपॉन में एम वन प्लस एम टू तो ये हो जाएगा एम टू एफ टू दोनों जगह से कट गया यहाँ आ गया एम टू एफ वन माइनस एम वन एफ टू अपॉन एम वन प्लस एम टू तो ये हमने एफ की वैल्यू निकाली तो इससे अब हमारा आ जा रहा है एट्थ का ए ऑप्शन देखो जहाँ पे हमें डायरेक्शन नहीं पता है कि ये आगे को लग रहा है या पीछे को लग रहा है वहां पे केवल आपको मैग्नीट्यूड ही पूछा जाएगा ये केवल आपको मैग्नीट्यूड निकालना था ना हमें नहीं पता कि कौन ये इधर है या इधर है तो कोई भी एक का यूज करके मैग्नीट्यूड निकाल लो आप नेक्स्ट बताओ आप ये नोट कर लो पहले ठीक है नेक्स्ट डाउट बताओ कौन सा है चलो अब टेंथ देखते हैं टेंथ में देखो बोला गया फिक्सन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इफ इट डज नॉट स्लाइड रिलेटिव टू तो द वेज विच मूव विथ एन एक्सेलरेशन ए टुवर्ड्स राइट आपको ऐसे बोल दिया गया कि एक वेज लिया गया है इस पे एक ब्लॉक रखा गया है इसका एक्सिलेशन ए दिया है ना इधर को ये ए एक्सीन से जा रहा है और ये इस पे रखा हुआ है ना ये स्लिप नहीं कर रहा है तो आपको यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बतानी है तो आप यहाँ पे क्या करोगे इसी पे बैठ के सोचोगे अगर आप इस पे बैठ के सोचोगे तो क्या क्या फिक्स फोर्सेस लगते दिखेंगे आप दोनों तरह से सोच सकते हैं ना ग्राउंड से भी सोच सकते हैं और नॉर्मली भी सोच सकते हैं पहले मैं ग्राउंड से ही कर देता हूँ ना बिना रिलेटिव के यहाँ पे फोर्सेस क्या क्या लग रहे होंगे एक तो नीचे को एम लग रहा होगा एक इधर को नॉर्मल लग रहा होगा और एक इधर को फ्रिक्शन लग रहा होगा ना? यही फोर्सेस लग रहे हैं ना? और अगर ये वेज आगे को ए से जा रहा है तो वेज के साथ साथ ये भी आगे को ए से जा रहा होगा ना? ये बात समझ आ रही है ना अगर इस ब्लॉक पे हम देखें हम ग्राउंड से सोच रहे हैं ना ग्राउंड हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ग्राउंड से कोई सीडो फोर्स नहीं लगेगा एम जी लगेगा नॉर्मल लगेगा और फ्रिक्शन लगेगा और ये ब्लॉक देखो इधर को जा रहा है जिधर को ये जा रहा है उधर को हम एक्स एक्सिस ले लेते हैं और वर्टिकल में वाई एक्सिस और सारे फोर्स रिजॉल्व कर देते हैं अगर ये एंगल ठीटा होगा तो ये एंगल भी ठीठा आता है ना अपोजिट एंगल ये वाला भी ठीटा आएगा तो अगर हम रिजॉल्व करें तो क्या क्या बोलेंगे एम का इधर कंपोनेंट एम सॉरी ये तो गड़बड़ बना दिया हमें हॉर्जेंटल और वर्टिकल में रिजोल्व करना है ना जिधर को जा रहा होता है उधर को एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में हमेशा बेटर होता है आप एक्स एक्सिस ले लो वर्टिकल में वाई एक्सिस ले लो तो यहाँ देखो एम तो ऑलरेडी वाई एक्सिस में है ना उसको नहीं रिजोल्व करेंगे रिजॉल्व किसको करेंगे एन को और एफ को एन यहां पर किधर है ऊपर को इधर आएगा एन कॉस और इधर आएगा एन साइन थीटा फ्रिक्शन को रिजॉल्व करोगे ये एंगल थीटा आएगा ये और करस्पोंडिंग एंगल थीटा तो एफ का इधर आएगा एफ कॉस थीटा और ऊपर को आएगा एफ साइन थीटा ठीक है समझो यहां पे फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं यहाँ पे ब्लॉक पे फोर्सेस आ रहे हैं नीचे को एम जी आगे को एन साइन थीटा ऊपर को एन थीटा प्लस एफ साइन थीटा फ्रिक्शन फोर्स का ऊपर कंपोनेंट और इधर को पीछे को आ रहा है एफ थीटा ये रिजॉल्व करने वाला पार्ट सबको समझ आया और ये जा किधर रहा है इस डायरेक्शन में जा रहा है ये ब्लॉक ए एक्सलेन से जहां तक देख लो किसी को कोई डाउट है N को रिजोल्व किया ये एंगल है तो ये सब हमने लिख दिया अब देखो अगर ये इधर को जा रहा है एक्स एक्सिस में जा रहा है तो वाई एक्सिस वाले फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए कि नहीं ना वाई एक्सिस में ये फोर्स और ये फोर्स आपस में बैलेंस होने चाहिए तभी ना वाई में नहीं जा रहा है केवल एक्स में जा रहा है तो हम वाई एक्सिस के लिए क्या इक्वेशन लगाएंगे वाई एक्सिस के लिए हम बोलेंगे mg जो होगा वो बराबर होगा इसको ऐसे लिखता हूं एन cos थीटा प्लस एफ साइन थीटा ये बराबर होगा mg के और x एक्सिस में अगर हम सोचे तो ये n साइन थीटा इधर लग रहा है f एफ थीटा इधर लग रहा है तो और ये जा रहा है इधर को तो मतलब कौन सा बड़ा हुआ n थीटा बड़ा हुआ f थीटा छोटा हुआ तो नेट फोर्स इधर आ रहा होगा एन साइन माइनस एफ थीटा वो बराबर होगा m इन टू ए के इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो चला रहा है ना इन दोनों का रिजल्टेंट इधर को ए से समझो तो एक्स में हम क्या इक्वेशन लिखेंगे एन साइन थीटर माइनस एफ कॉस्टीटा बराबर एम इन टू ए और आपको निकालना है क्या है फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू इस अब दो इक्वेशन है इसको सॉल्व करके एफ की वैल्यू निकालनी है सिद्धेश्स so एक्सिस में अगर आपको एफ फोर्स लग रहा है और वो ए एक्स से जा रहा है तो यही लिखोगे ना एफ बराबर एम इन टू ए एफ की वैल्यू कैसे निकालोगे एक्स एक्सिस में अगर दो फोर्स है तो उनका नेट लेकर के लिखोगे अब ये समझो दो अननोन दो इक्वेशन इसको सॉल्व करोगे तो एफ की वैल्यू आ जाएगी अब सॉल्विंग तो कर सकते हो ना सॉल्विंग हो जाएगी हमेशा ध्यान रखो जिधर को ब्लॉक जा रहा होता है उधर को एक्स एक्सिस लो वर्टिकल में दूसरी डायरेक्शन में परपेंडिकुलर वाई एक्सिस और वाई एक्सिस में फोर्स बैलेंस कर दो और एक्स एक्सिस में एफ एक लगा दो जिधर जा रहा है उधर एफ एकल टू एम ए देखो अगर आयु इंक्लाइन के लॉन्ग भी रिजोल्व करोगे तो फिर ए को रिजॉल्व करना पड़ेगा ए के दो कंपोनेंट आएंगे इधर को भी और इधर को भी ए को रिजॉल्व किया था तुमने ग्राउंड से किया था या सीडो फोर्स से किया था सीडो फोर्स से किया था ना हाँ सीडो फोर्स से किए तब रिजॉल्व करना ज्यादा बेटर रहता है उससे एक और रिजॉल्व कर लो ग्राउंड से कर रहे हैं तो यही बेटर पड़ेगा इससे भी बता दू क्या सीडो फोर्स से भी बता दू चलो दो मिनट लगेगा बस इक्वेशन लिख देता हूं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा ये मेथड वन हुआ ना मेथड टू अब हम लोग सीडो फोर्स का यूज करके करते हैं देखो यहां पर अगर हम लोग इसको ऑब्जर्वर बना दे इनक्लाइन प्लेन को इनक्लाइन प्लेन को फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लें तो इस पे आप फोर्सेस क्या क्या दिखेंगे नीचे एम इधर को नॉर्मल पीछे को फ्रिक्शन ना ऊपर को फ्रिक्शन और इस बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस आगे को जा रहा है ए एक्सीन से तो उससे जब देखेंगे तो पीछे को एक होरिजेंटल में सीडो फोर्स ना जिधर ऑब्जर्वर जा रहा है उसके अपोजिट में सीडो फोर्स लगेगा और ये प्लेन प्लेन के के साथ साथ जा रहा है ना, मतलब है ना ना मतलब रिस्पेक्ट में रेस्ट पर तो इस ऑब्जर्वर को ये रेस्ट में दिखेगा अब ये सारे फोर्सेस हमें बैलेंस करने हैं ना क्योंकि वो रेस्ट पे दिख रहा है मतलब रुका हुआ है तो इन सारे फोर्स की वजह से वो बैलेंस दिख रहा होगा रुका हुआ दिख रहा होगा तो अब आप क्या कर सकते हो यहाँ पर अब आप चाहे हॉर्जेंटल में रिजॉल्व करके बैलेंस कर लो या वर्टिकल में कर लो दोनों चलेगा ना तो मैं अभी वर्टिकल और हॉर्जेंटल में ही करता हूं ये मान लो थीटा है ये थीटा है तो एन को इधर कर लेंगे एन कॉस थीटा इधर आ जाएगा एन साइन थीटा फ्रिक्शन फोर्स का इधर कंपोनेंट आ जाएगा एफ कॉस थीटा और ऊपर आ जाएगा एफ साइन थीटा तो ब्लॉक पे फोर्सेस क्या क्या लगते दिख रहे हैं इंक्लाइन प्लेन जब हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो उसपे ऊपर को दिख रहा है एन cos थीटा प्लस एफ साइन थीटा इधर को दिख रहा है एन साइन थीटा इधर को दिख रहा है एफ cos थीटा प्लस एम ए और इधर को दिख रहा है एम जी और इन सारे फोर्सेस की वजह से वो रेस्ट पे दिख रहा है नहीं अगर इन सारे फोर्सेस के वजह से रेस्ट पे दिख रहा है इनक्लाइन प्लेन से तो रेस्ट पे दिख रहा है ना अच्छा अच्छा वैसे बोल रहे हो अगर हम इनक्लाइन प्लेन के लॉन्ग रिजॉल्व कर दें तो एक लाइन में ही सॉल्व हो जाएगा हाँ ये बात सही बोल रहे हो सरायु देखो तो सर ने यह बताया कि अगर हम ऐसे रिजॉल्व करते तो एक ही इक्वेशन से सॉल्व हो जाता ये बात तो सही है फिर एन आता ही नहीं अब तो ये कर दिया है तो अब ऐसे ही लिख देता हूं बाकी सरायु ने सही बताया वैसे अच्छा हो जाएगा और हाँ रजत फिर वो एक स्टेप में आंसर आ रहा है ना अगर हम फ्रिक्शन के लॉन्ग रिजॉल्व कर दें तो एक स्टेप में आएगा एम का इधर कंपोनेंट लो इधर लो लो और एम का इधर ले लो तो एक स्टेप में आंसर आ रहा है फिर हाँ ये सीडो फोर्स लगाया इधर सीडो फोर्स लग रहा है ठीक है नोट हो गया ये फिर अब मैं वो कर नहीं रहा हूं आप खुद से कर लो ना इस लाइन के लॉन्ग रिजॉल्व करो तो एक लाइन में आंसर आ रहा है उसमें एफ को नहीं रिजॉल्व करना पड़ेगा एम को करना पड़ेगा और एम को करना पड़ेगा अब सिद्धेश चवन तू जरूर से बोल देगा कि लाइट इक्वेशन खुद से कुछ नहीं करना चाहता ये चवन के लिए लिख देता हूं यार दो मिनट को चवन बहुत आलसी आदमी है देखो भाई जल्दी जल्दी देख लो एम लग रहा है इधर एन लग रहा है ऊपर को फ्रिक्शन लग रहा है और इधर को एम लग रहा है नहीं ये एंगल एक सेकेंड इसको यहां से दिखाता हूं ना सारे फोर्स तो थोड़ा सा रिजॉल्व करना आसान रहेगा एक ही पॉइंट से सब फोर्स दिखाएंगे तो रिजोल्व करने में इजी पड़ेगा ना अब देखो अगर हम इसको ऐसे रिजॉल्व करते इस लाइन के लॉन्ग और इस लाइन के लॉन्ग तो एम ए का इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा एम ए कॉस और इधर आ जाएगा एम ए साइन थीटा ये एंगल थीटा है तो एम जी का इधर कंपोनेंट आएगा एम जी कॉस ठीटा और इधर आ जाएगा एम जी साइन थीटा अब आप केवल इधर को फोर्स बैलेंस करो इस लाइन के लॉन्ग तो उससे फ्रिक्शन आ जा रहा है ना एम ए कॉस थीटा प्लस एफ बराबर एम जी साइन थीटा तो इससे एफ की वैल्यू ना ऐसे आ जाएगी ठीक है अब सर्कुलर शुरू किया जाए इस फ्राइडे को अपना डाउट डिस्कशन रहेगा ना शाम को फ्राइडे को हम डाउट डिस्कशन करेंगे तो अभी तो न्यू लॉज ऑफ मोशन का एक्सरसाइज टू करना है ना वो होने के बाद फिर नेक्स्ट वीक में फ्रिक्शन का एक्सरसाइज वन करेंगे नेक्स्ट वीक तक फिक्सन के लिए टाइम है ना एक्सरसाइज वन कर लो कोई बात नहीं भावेश हम लोग अभी आधा घंटा नहीं चालीस मिनट सर्कुलर के बेसिक कर लेंगे तो हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सर्कुलर मोशन बड़ा नहीं अभी ये एलओएम से छोटा है सिक्स सेवन लेक्चर लगेंगे सर्कुलर यार सही से समझोगे तो इजी है नहीं समझोगे तो टफ हो जाएगा सो so, हम अभी तक देख डाउट ही करा रहा था फ्रिक्शन के यार अब फ्रिक्शन के डाउट नेक्स्ट वीक में फ्राइडे को करेंगे इस वीक में फ्राइडे को एलओएम के डाउट करेंगे अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सर्कुलर मोशन वैसे मेरे हिसाब से ये इजी जाना चाहिए बस तुम लोग ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं मेरी बात अच्छे से सुन लोगे तो बहुत इजी जाएगा चैप्टर देखो सर्कुलर मोशन में नाम से क्लियर है सर्कुलर मोशन कब बोलेंगे अगर कोई भी पार्टिकल ऐसे मूव करे कि उसका पाथ एक सर्कल आए तो वहां पे हम इसको इस पार्टिकल के मोशन को सर्कुलर मोशन बोलेंगे यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट होगी जिससे पार्टिकल की डिस्टेंस हमेशा सेम बनी रहेगी ना उस डिस्टेंस को हम रेडियस बोल रहे होंगे कोई भी टाइम पे पार्टिकल को सेंटर से मिलाने वाला ये जो रेडियस होता है ना इस रेडियस को हम यहाँ पे रेडियस बोलेंगे या फिर रेडियस वेक्टर बोलेंगे जब हम इसको आई जे में यूज करेंगे तो उस टाइम पे इसको रेडियस वेक्टर बोलेंगे रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा पार्टिकल की तरफ रखते हैं ना अब देखो कोई भी टाइम पे अगर ये कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे बताएंगे अगर मान लो वो ऐसे चल रहा है तो कोई भी टाइम पे उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन के लिए आप वहां करके दिखाओगे अगर यहां पर है तो इधर को टेंजेंट ना था ये इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा कहीं पर भी अगर पार्टिकल पहुंचा हुआ है तो वहां पे जो टेंजेंट होगा वो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन दे रहा होगा अब देखो जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चलेगा तो हो सकता है उसकी स्पीड कांस्टेंट हो या हो सकता हो स्पीड चेंज हो रही हो ना हो सकता है एक ही स्पीड से पूरे सर्कुलर पाथ पे चल रहा है या हो सकता है लगातार स्पीड चेंज होती जा रही है तो स्पीड जो होगी वो दो टाइप से यहाँ पे रहेगी स्पीड कॉन्स्टेंट हो सकती है सर्कुलर पाथ पे या फिर स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है वेरिएबल हो सकती है अगर वो एक कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पे चलेगा तो उस सर्कुलर मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ना यूसीएम से दिखाएंगे यूसीएम मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और अगर उसकी स्पीड लगातार चेंज हो रही है तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रेडियस वेक्टर लिखा हुआ है लाइन ज्वाइनिंग सेंटर एंड पार्टिकल को रेडियस वेक्टर बोलते हैं और इसका डायरेक्शन पार्टिकल की तरफ होता है यहां पे मैं यूसीएम का फुल फॉर्म लिख देता हूं यूसीएम मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एन यूसीएम का मतलब होगा नॉन यूनिफॉर्म ठीक है तो यहां पर सर्कुलर मोशन दो टाइप के होंगे ना सर्कुलर मोशन दो टाइप के होंगे एक तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दोनों में डिफरेंस क्या है एक में स्पीड कांस्टेंट होगी और एक में स्पीड वेरी कर रही होगी क्या सर्कुलर मोशन के टाइम पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है ना सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती ना क्योंकि डायरेक्शन तो हमेशा ही चेंज करना पड़ेगा ना सर्कुलर पाथ पे चलना है तो वेलोसिटी तो हमेशा ही वैरी करेगी तो यहां पर इसका मतलब सर्कुलर मोशन में कभी भी एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो सकता ना सर्कुलर मोशन में कभी भी एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो सकता क्योंकि वेलोसिटी जब हमेशा चेंज हो रही है अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वहां पे एक्सिलेशन होगा ही होगा एक मिनट तिलक ना तो कभी भी सर्कुलर मोशन में आप ये नहीं बोलोगे कि एक्सेलरेशन जीरो है क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज होगा ही होगा अब देखो आपको पता है कि वेलोसिटी में दो चीजें होती हैं एक तो मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होता है तो यहां पर डायरेक्शन तो चेंज होगा ही होगा चाहे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा ना स्पीड भी चेंज हो रही होगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में केवल डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा ना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में केवल डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा और मैग्नीट्यूड जो होगा वो कांस्टेंट होगा किसकी वेलोसिटी की बात चल रही है ना और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नॉन यूनिफॉर्म में वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज होगा और उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा अब देखो जब केवल डायरेक्शन चेंज होता है तो वहां पर एक एक्सेलरेशन एक आता है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये सब अभी आगे समझाऊंगा ना क्यों बोलते हैं ना बट अभी बस ऐसे नोट कर लो एन मतलब नॉर्मल एक्सिलेशन ए आर मतलब रेडियल एक्सिलेशन और एसी मतलब सेंट्रीपिटल एक्सिलेशन जहां पे केवल डायरेक्शन चेंज होता है डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो एक्सिलेशन आता है उसको हम क्या नाम देते हैं नॉर्मल एक्सिलेशन या फिर रेडियल या फिर सेंट्रीपिटल और जहां पे तो ये जो डायरेक्शन चेंज तो दोनों जगह है ना तो ये वाले एक्सिलेशन तो दोनों में आएंगे नॉर्मल या फिर ए आर प्लस ए सी और जब मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो उस टाइम पे जो एक्सिलेशन आता है उसको टेंजेंशियल एक्सिलेशन बोलते हैं ये पहले भी सिखाया हुआ है ना टेंजेंशियल एक्सिलेशन जहां पे मैग्नीट्यूड चेंज होता है उसके वजह से जो एक्सलेशन आता है उसको टेंजेंशियल बोलते हैं तो यूनिफॉर्म में टेंजेंशियल एक्सलेशन हमेशा जीरो होगा ना क्योंकि स्पीड चेंज नहीं हो रही है जबकि नॉन यूनिफॉर्म में टेंजेंशियल एक्सलेशन जीरो नहीं होगा वहां पे मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है यहां पे सेंट्रीपिटल तो दोनों में ही नॉन जीरो है सबको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में केवल डायरेक्शन चेंज होने की वजह से एक्सलेशन होगा लाइट गई फिर से आवाज आ रही है हेलो